साहब, मेरे बेटे की ना स्कूल ट्रिप जा रही है, उसकी फीस के लिए मुझे क्या आप 3,000 रुपये दे सकते हो? क्या 3,000 रुपये? जी। क्यों भेजना है ट्रिप पे? साहब वो क्या है ना, उसके सारे दोस्त जा रहे हैं और उसका भी बड़ा मन है और मैंने उससे वादा भी कर दिया है। क्यों करते हो ऐसा वादा? हैसियत देखिए अपनी, 3,000 आधी सैलरी बनती है तुम्हारी। साहब आप मुझे रुपए दे दीजिए ना, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, मैं अपने बच्चे का दिल नहीं तोड़ना चाहता। ठीक है देता हूँ पैसे, ये रोना धोना बंद करो, लेकिन एक बात याद रखना है, इस महीने की सैलरी मिलेगी ना उसमें से ये एडवांस कट जाएगा। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार साहब। आप कौन? साहब मैं आपका धन्यवाद करने आया था। धन्यवाद? कैसा धन्यवाद? अरे भाई आप, आपकी बेटी कैसी है? जी आपने मेरी बिल्कुल सही समय पर मदद की, अब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। मैं आपको यही धन्यवाद करने आया था, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं चलता हूँ। फिरोज ये कौन था आदमी और किसकी बात कर रहा था? साहब दरअसल उस दिन जब मैं आपसे पैसे लेकर गया था ना, अरे फिरोज भाई, फिरोज भाई मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर ने जो दवाई लिखी थी वो मैंने ले ली, पर अभी भी इलाज में 2,000 रुपये की ज़रूरत है, हो सके तो मेरी मदद कर दो। भाई ये 3,000 रुपये हैं, इन्हें आप रख लीजिए और अपनी बेटी के लिए दवाई ले आना और बाकी पैसों के उसके लिए कुछ फल भी ले आना। फिरोज भाई आज आपने मेरी मदद करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई इसमें एहसान की क्या बात है, शायद ये पैसे आपकी ही किस्मत के थे इसीलिए साहब ने मुझे दिए, मैं तो एक जरिया हूँ। खैर आप जाओ और अपनी बेटी का ख्याल रखो। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हुआ था साहब उस दिन। पर वो पैसे तो मैंने तुम्हारे बच्चे के स्कूल ट्रिप के लिए दिए थे ना, तो फिर उसको तुमने क्यों दे दिए? साहब उस वक्त इन पैसों की जरूरत मुझसे ज्यादा इनको थी, उस वक्त उनकी हालत मुझसे देखी नहीं गई इसलिए मैंने उन्हें पैसे दे दिए। बेटे को तो मैं बाद में भी समझा दूंगा साहब। खैर ये सब आप छोड़िए, मैं आपके लिए चाय लाता हूँ। फिरोज ये लो 3,000 और अपने बेटे को मना मत करना। पर साहब तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लो, ये पैसे मैं वापस नहीं लूंगा। जब तुम इतने कम पैसे कमाकर दूसरों की मदद करने का जज्बा रखते हो तो मैं इतना भी नहीं कर सकता। शुक्रिया साहब।